मंच पर उपस्थित पूज्य प्रणाम जी महाराज, स्वामी आर्यवेश जी, उपस्थित सभी भक्त पुरुषों, मातृशक्ति, स्वामी श्रद्धानंद जी के बारे में आप सभी बहुत कुछ जानते हैं, इसलिए आप यहाँ आए हैं। स्वामी श्रद्धानंद जी वास्तव में मन से सन्यासी थे। स्वामी श्रद्धानंद जी जाति से ऊपर उठकर थे, जाति, प्रांतवाद, क्षेत्रवाद इनसे ऊपर थे। मेरा तो बहुत पहले, लगभग 27 साल पहले डीएवी स्कूल में उनका एक आंदोलन दिल्ली में जा रहा था, तो बीच में डीएवी स्कूल सेक्टर 37 में सेवा करने का उनका अवसर मिला था, वहाँ से परिचय हुआ। दूसरा जो ये आपका आर्य कन्या गुरुकुल हसनपुर है, इसमें कई प्रकार बहुत उठा पटक और परेशानियाँ हुई, बहुत परेशानी हुई, तो बार बार मुझे समझाते, शास्त्री इस क्षेत्र का ये एकलौता गुरुकुल है, ये बचाना है, इसको आगे बढ़ाना है, वहाँ मेरा धैर्य बंधाते रहे। ये स्वामी श्रद्धानंद की अच्छाइयों का, और स्वामी श्रद्धानंद के आप फेसबुक पर आप देखो कितने लोगों ने डाला है। इमलिया में जना श्रद्धांजलि सभा पहले हो चुकी है, मुजफ्फरनगर में हो चुकी है, न जाने कितने लोगों ने श्रद्धांजलि सभा करके उनको श्रद्धांजलि दी है। इससे ये पता लगता है कि वास्तव में ही स्वामी श्रद्धानंद मन से पूरे सन्यासी थे, और जैसे ही उन्होंने सन्यास लिया तो उनकी वाणी में जबरदस्त निखार आया और उन्हें जबरदस्त स्वाध्याय किया और सबके चहेते बने। दूसरी बात, जैसे ही पता चला कि स्वामी जी बीमार हो गए, और श्री विजेंद्र जी शास्त्री जो फरीदाबाद में आर्य पुरोहित सभा में हैं, श्री हरिओम शास्त्री, ये स्वामी श्रद्धानंद जी की वो देखिए कि जिस समय स्वामी श्रद्धानंद जी ने प्राण त्यागे, उस समय उस हॉस्पिटल में 7 शास्त्री विद्यमान थे। श्री विजेंद्र जी वहाँ थे, अशोक शास्त्री वहाँ थे, संतोष शास्त्री वहाँ थे, मैं वहाँ था, श्री हरिओम शास्त्री वहाँ थे, कई शास्त्री वहाँ विद्यमान थे, उनके परिवैश्लौकिक परिवार से 2 उनके भतीजे वहाँ विद्यमान थे, और जो सेवा इस ब्रह्मचारी ने की है, मैं समझता हूँ कि सगा भतीजा नहीं करता, सगा जो है ना दूसरा नहीं करता। हमारे जो आर्य समाज में ये देखना होता है कि सन्यासियों का अंतिम समय में कौन, जिस समय आती है तो वहाँ क्या दिक्कत आती है, क्या परेशानी आती है, तो वहाँ उस समय ये ब्रह्मचारी राजदेव खड़ा मिला। तो मैं समझता हूँ कि जो स्वामी श्रद्धानंद जी ने इतना बड़ा काम किया है, तो हम भी इस क्षेत्र में उनका जो कार्य था उसको हम आगे बढ़ाएंगे। और जैसे ही उनके प्राण उन्होंने त्यागे, उससे पहले उनको आभास हो चुका था, और जैसे उन्होंने प्राण त्यागे, प्राण से पहले 2-4 दिन पहले, 10 दिन पहले उन्होंने अपनी सारी व्यवस्था बता चुके थे कि भाई मेरी मृत्यु के बाद मुझे शमशान घाट में मत जलाना, वहाँ मेरा संस्कार मत करना, मुझे कहाँ करना है, मेरे घर मत ले जाना, ये मैं कह रहा हूँ मन से सन्यासी थे, मेरे घर में मत ले जाना, मेरे खेत में मत जलाना, कहीं खुले में कहीं ऐसा मिले तो वहाँ मेरा संस्कार कर देना, और यदि मेरा प्राण, क्योंकि वो गोमत गुरुकुल को देख रहे थे और उनका स्वामी जी के मार्गदर्शन में संचालन कर रहे थे गुरुकुल का, यदि मेरे वहाँ प्राण निकले तो वहाँ मेरा संस्कार कर देना। तो जैसे ही प्राण उन्होंने त्यागे, एक मिनट लेता हूँ, और जैसे ही प्राण त्यागे तो मैंने स्वामी जी को सूचित किया, क्योंकि मैं वहाँ विद्यमान था, कि हमारे बीच में अब स्वामी श्रद्धानंद जी नहीं रहे, अब आगे की क्या प्रोग्राम है, कैसे है, तो ये देखा गया कि इनका संस्कार कहाँ करें, और गांव में ले जा नहीं सकते, स्वामी जी की भावना का आदर करते हुए ये निर्णय लिया गया, क्योंकि उनका कार्य क्षेत्र पूरा पलवल में रहा है, तो स्वामी आर्यवेश जी ने निर्णय लिया, स्वामी प्रणाम जी ने आर्य लिया कि यहाँ जो लोग हैं वो वहाँ दर्शन करना चाहेंगे तो यहीं कम्युनिटी सेंटर में उनको 2-3 घंटे तक यहाँ उनके दर्शनार्थ उनका पार्थिव शरीर रखा गया। और फिर बहुत बड़ा दिल रखते हुए स्वामी प्रणाम जी महाराज जी ने भी कहा कि वो हमारे थे और उनका जो संस्कार होगा वो गुरुकुल मंझावली में होगा, और ये सारा कुछ विचार विमर्श करके, जैसा स्वामी जी ने कहा था कि जैसे मेरे वो फूल होंगे, जो हड्डियां होंगी उनको लेकर और वहीं कहीं गाड़ देना और उसके ऊपर एक पेड़ जो ना उगा देना, तो जैसा उन्होंने कहा था उसी के अनुसार वो सारा संस्कार हुआ। तो मैं आप सब से यही आह्वान करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि हम इस क्षेत्र में जो पलवल का पूरा नाम जो है स्वामी श्रद्धानंद जी ने किया था, पूरे तन मन और धन के साथ में उनके जो कार्य थे, पूरी ऊर्जा के साथ में आगे काम करेंगे। धन्यवाद। मंच पर उपस्थित आदरणीय स्वामी प्रणवान जी महाराज, स्वामी आर्यवेश जी महाराज और उपस्थित सभी जो है विद्वज्जन, पलवल, फरीदाबाद व विभिन्न प्रांतों से यहाँ पर पधारे हुए हमारे आर्य बंधुगण,
मेरे लिए बड़ी दुखी बात है, स्वामी श्रद्धानंद जी मेरे बहुत ही आत्मीय साथी रहे हैं। मैं हैदराबाद में था, हमारे साथी अशोक जी ने टेलीफोन किया कि स्वामी जी की तबीयत बहुत ख़राब है, उनको शायद जो है लीवर हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ेगा। जिस दिन उन्होंने बात की थी शायद उसी दिन रात के 11 बजे कभी जो है उनका देहांत हो गया है, और दूसरे दिन ये सूचना आई कि स्वामी जी नहीं रहे। ये बड़ी दुखद घटना थी। महर्षि दयानंद द्वारा प्रतिपादित आर्य परंपराओं, वैदिक परंपराओं को अपने अलग अलग जो है माध्यम से, चाहे वो युवक हों, बच्चे हों, गुरुकुल हों और आम जनता के बीच में जो है सेवा करने के लिए जो उनकी तमन्ना थी, जो संकल्प था, वो किसानों के माध्यम से, मजदूरों के माध्यम से लोगों के बीच में वो जाते रहे। बंधुआ मुक्ति मोर्चा के तत्वावधान में चलने वाले गरीब से गरीब इस समाज के अंतिम आदमी के उद्धार के लिए भी जो वो अपना समय निकाल करके ज़रूर उन सभाओं में भाग लिया करते हैं। जीवन तो उदाहरण तो यही है कि किसानों के बीच में एक बहुत बड़ा आंदोलन इस क्षेत्र में उन्होंने खड़ा किया। ये मामूली बात नहीं है। देखिए, किसी समाज से संबंधित, समाज को जो एक पूरी जो है समग्र रूप से अगर विस्तार देना हो, विकास करना हो, लोगों को सुधारना हो, तो किसी एक क्षेत्र में किसी एक वर्ग के लिए करने से नहीं होता। समग्र विचार जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था उसको उन्होंने आत्मसात करके सभी वर्गों के बीच में अपनी पूरी शक्ति सामर्थ्य के साथ में संन्यास लेने के बाद में वो चलते रहे। जब कभी मैं याद करता रहा, वो हैदराबाद भी आते रहे। तो मैं इस अवसर पर ज़्यादा समय न लेते हुए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि पूरी आर्य जगत की ओर से, भारत भर की आर्य समाजों की ओर से, आर्य जगत की ओर से, सार्वदेशिक सभा की ओर से, मैं स्वामी श्रद्धांजलि को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि किसी आदमी को आगे याद करना हो तो उनके कार्यों को, जिसको जिस काम में रुचि हो, गुरुकुल में रुचि हो तो गुरुकुलों की परंपरा को बढ़ाए, युवकों के बीच में काम करना तो युवकों को प्रेरित करते हुए आगे बढ़ाए, स्कूलों का काम करना तो स्कूलों के बीच में कराएं, मजदूरों के बीच में हो या किसानों के बीच में हो, जो समाज से संबंधित, समाज के लोगों से संबंधित कार्य, उन कार्यों को मजबूती से अगर आगे बढ़ाने का हम संकल्प लेते हैं तो वास्तव में हम स्वामी दयानंद की परंपरा को और स्वामी श्रद्धानंद जी की परंपरा को हम आगे बढ़ा सकते हैं। पुनः एक बार मैं श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। ओम शांति।